नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक आए रुझानों में कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनावों में मतों की गिनती जारी है। दोपहर 3 बजे तक मात्र 40% के करीब ही वोटों की गिनती हो पाई थी। बिहार में 166 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर चल रही है। यहां प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर काफी कम है। 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से कम वोटों का मार्जिन है। वहीं राज्य की 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रतिद्वंदियों के बीच वोटों का अंतर 2000 से भी कम है। इसके अलावा 23 सीटों पर प्रत्याशियों के बीच 500 से कम मतों का अंतर चल रहा है। कुछ सीटों पर तो 50 से भी कम वोटों का अंतर है। शाम 3 बजे तक 35 राउंड की मतगणना हो चुकी है, जबकि 40% वोट खोले जा चुके हैं। हालांकि यहां ये बात ध्यान रखने वाली है कि अभी कई राउंड्स की मतगणना बाकी है। ऐसे में ये रुझान कभी भी पलट सकते हैं, खासतौर से जहां लीड इकाई और दहाई में है। शेखपुरा से जेडीयू आरजेडी से 48 वोट, नोखा में आरजेडी जेडीयू से 73 वोट, ओबरा में आरजेडी लोजपा से 93 वोट, बेलागंज में आरजेडी जेडीयू से 113 वोट आगे, आरा में सीपीआई बीजेपी से 126 वोट आगे चल रही थी। इसी तरह फूलपरास में जेडीयू, फतुहा में बीजेपी, सीतामढ़ी में बीजेपी, वारिसनगर में जेडीयू, दिनारा में आरजेडी, बड्डिया से आरजेडी, राजगीर से कांग्रेस, कहलगांव से बीजेपी, पटना साहिब से बीजेपी, गया शहर से भी बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन वोट का अंतर बहुत कम है। इस्लामपुर में जहां 82 तो वहीं नरकटियागंज में 100 वोटों का अंतर है। दूसरी ओर नौखा में 70 वोटों का अंतर है और बाजपट्टी में ये अंतर 26 वोटों तक का है। वहीं सुगोली में 69 वोट, एकमा में 200 और आरा में 126 वोट का अंतर है। बीजेपी और जदयू गठबंधन को अब तक 35.43% वोट हासिल हुए हैं, जबकि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 32.13% वोट मिले हैं। बहरहाल चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी और मतगणना देर तक चल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।